फ्रेंड्स, कई बार आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, काफी टाइम से आप ऑपरेट नहीं करते। जनरली अगर आपने 2 साल से अकाउंट ऑपरेट नहीं किया तो वह डोरमेंट हो जाता है। उसको एक्टिवेट कराने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक में सबमिट करना है, वो किस तरीके से भर के देना है, मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है। आइए हम वीडियो देखते हैं। इस फॉर्म का एक कॉपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डोरमेंट अकाउंट क्या होता है। डोरमेंट अकाउंट ये तभी होता है जब आप दो साल से अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन ना हुआ हो या कोई भी लेन देन ना हुआ हो, तो ये खाता डोरमेंट की कैटेगरी में चला जाता है या फिर किसी डोरमेंट हो जाता है। खाते को एक्टिवेट करने के तभी होता है जब आप उसमें बराबर लगातार ट्रांजेक्शन करते रहते हो या लेन देन करते रहते हो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे भरते हैं ये फॉर्म। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट देखी होगी, तो डेट में आपको आज की डेट ही लगाना है जिस दिन आप फॉर्म बैंक में जाके सबमिट करवाएं। उसके बाद कस्टमर का नाम, जो भी कस्टमर का नाम है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद उसके अकाउंट से जुड़े हुए मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद उसके अकाउंट नंबर, जो आपकी चेकबुक डायरी में जो नंबर है अकाउंट नंबर, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपकी जो भी ब्रांच है उसको यहाँ पर लिखना है। आपको ब्रांच प्रॉब्लम है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, डोरमेंट अकाउंट अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो इस अकाउंट को, तो आपको सबसे पहले ब्रांच में जाना होगा, ये कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म वहाँ पर देना पड़ेगा और आपकी KYC देनी पड़ेगी और आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो देने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद जैसे आपको कहीं पे सेट होना है तो यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको ये कॉलम दिख रहा है, यहाँ पर अपना साइन कर देना है। उसके बाद इसके पीछे आपको अपना आधार कार्ड लगाना है, और आधार कार्ड लगने के बाद आपको ये फॉर्म आपको अपनी ब्रांच में जाके या बैंक में जाके सबमिट करवाना होगा। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।